हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेयर सॉल्यूशन वीडियोस। आज आपको एक और हेयर कट लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जो भी मैं नई वीडियोस डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो आज जो है हम लंबे बालों पे कटिंग करने वाले। ओके, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बॉक्स का एरिया। ओके, एडवांस कट जब भी स्टार्ट करते हैं तो बॉक्स का एरिया से करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बॉक्स का एरिया लिया, कॉम किया, ऊपर लेके गया। क्लाइंट से पूछना है आपको डिजायर लेंथ कितनी चाहिए। ओके, डिजायर लेंथ के ऊपर हम बाल काटना शुरू करेंगे। इतना ठीक है तो इसके बाद हम कट करेंगे। शी इज लाइक हाँ ठीक है इतना। तो उसके बाद हम टॉप की लेंथ शॉर्ट करना क्यों जरूरी है, ये ऑलमोस्ट पोनी काट दी है मैंने, सी दैट। ये काटना क्यों जरूरी है, बिकॉज इसी से ही पूरे हेयर कट का लुक आता है। ओके, ये क्लाइंट ने आई थिंक ऑलमोस्ट 4 साल से कभी बाल ही नहीं कटवाए, तो क्लाइंट के बाल बहुत लंबे हो गए हैं, प्लस खराब भी हैं, बिकॉज उनके एंड्स खराब हैं, देन उसके जो डैमेजनेस है, फिर वो कलर भी यूज़ करते हैं, कलर की वजह से भी डैमेज हो रहे हैं। तो आप हमेशा अपने क्लाइंट को सजेस्ट करो कि मैम आप बाल कटवा लीजिए, जितने आप बाल छोटे रखेंगे उतने बाल आपके हेल्दी रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉम किया, एक पतला सा सेक्शन लिया बैक में, वर्टिकल सेक्शन। ओके, और उसको कॉम कर लिया अच्छे से, बालों को कॉम कर लिया, पूरे बालों को आपको टेंगल फ्री करना है। टेंगल फ्री करके ही आपको उसके बाद काटना है। तो जैसे ही मैंने टेंगल फ्री किया, सारे बालों को कॉम कर लिया, कॉम करके, अगर आपके टेंगल्स जो है वो कॉम से नहीं निकलते तो आप पैरल ब्रश यूज़ करिए, टेंगल 1 मिनट में निकल आएंगे। उसके बाद मैं कॉम करूँगा, नीचे लेके जाऊँगा कॉम से बालों को, और एक स्ट्रेट चॉप दूंगा। लेंथ हमें लंबी रखनी है, टॉप मैंने शॉर्ट कर दिया है, लेंथ मैं ज़्यादा नहीं काट रहा हूँ, बिकॉज क्लाइंट को लेंथ की ज़रूरत है, शी नीड लेंथ। तो हम लेंथ ना छोटे करते हुए एक लेंथ का जो प्रॉपर गाइडलाइन बना लेंगे सब तरफ से। अभी राइट साइड के बाल ले रहा हूँ, उसको भी उसी तरह से हम बना लेंगे गाइडलाइन, और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड के हेयर लूँगा मैं और उसी तरह से उसको भी काट लेंगे। तो ये काटने के बाद हमें इसमें लेयरिंग ऐड करना है, स्टेप्स ऐड करना है, स्टेप्स विद लेयर्स। ओके, ये हेयर कट का नाम है। तो हम जो है इस बार स्टेप विद लेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने पतला सा एक बॉक्स में सेक्शन लिया, पहले नीचे वाले बालों को आपको क्या करना है, पतला सा सेक्शन लेके ऊपर लेके जाना है और मर्ज करना है, पीछे वाले जो मैंने स्ट्रेट काटे हैं वो बाल एंड ऊपर वाले जो बॉक्स एरिया के छोटे बाल, इनको मर्ज करना है। तो ये हेयरकट में मैक्सिमम आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे काटने में, अगर आप इस तरीके से ये बाल काटते हो। ओके, एक तो वेट एकदम कम हो जाएगा क्लाइंट के बालों का एंड स्टेप्स भी आ जाएंगे। ओके, स्टेप्स ऐड हो जाएंगे, तो आप इसी तरह से स्टेप्स ऐड करेंगे, ग्रेजुएशन जिसको हम बोलते हैं, ऊपर लेके जाके काट रहे हैं बालों को। ओके, दोनों को मर्ज करना है, दोनों गाइडलाइन के पीछे के जो बड़े बाल हैं उनको काट देना है, मर्ज करना। आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियोस जो हैं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और जो लोग भी कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं, लाइक प्रोफेशनल टूल्स जो हैं, लाइक सीजर, कॉम, ड्रायर,
यू नो एप्रन और कटिंग केप एंड सेक्शन क्लिप एनीथिंग, जो भी आप चीज़ बाय करना चाहते हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी लिंक्स जो हैं वो डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ओके, वहाँ से आप कुछ भी प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करता हूँ वो आप बाय कर सकते हैं। तो अभी जैसे ही पूरे जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद हम इनमें ड्रायर कर सकते हैं, रॉड से सेटिंग कर सकते हैं, तो मे बी मैं यहाँ पे रॉड सेटिंग करूँगा। ओके, तो बालों को अच्छे से सेक्शन वाइज सेक्शन हमें रॉड से कर्ल्स डालने हैं एंड्स पे, बिकॉज क्लाइंट के जो बाल हैं वो ना पहले से ही वेवी हैं। ओके, तो वेवी हेयर होते हैं जो, उनके लिए ये हेयर कट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे ही हम रॉड को हीटिंग के लिए लगा देंगे, रॉड का हीटिंग टेम्परेचर जो है वो 180 टू 200 रहेगा, और 230 भी रख सकते हैं आप। ओके, और ये जो रॉड मेरे पास है, टोंग भी बोलते हैं इसको, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ आइकॉनिक की, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप बेबीलिस की भी बाय कर सकते हो। ओके, बेबीलिस जो ब्रांड है। इस तरह से आप कोई भी चीज़ अगर आपको ख़रीदनी है, वीडियो के नीचे लिखा होगा शो मोर, ओके, उसमें क्लिक करिए, एंड जो भी आपको बाय करना है उसमें क्लिक, लिंक पे जाके ब्लू कलर के लिंक्स होंगे उस पर क्लिक करिए और ख़रीद लीजिए। तो अभी हम सेक्शन बाय सेक्शन कर रहे हैं कर्ल्स, आपको कर्ल्स करने हैं बालों में, तो कर्ल्स करके एंड्स पे मुझे छोड़ देना है, हर एक बाल के 2 इंच के हेयर पे, एंड में 2 इंच के बाल पे मुझे कर्ल करना है। सारे बालों को कर्ल नहीं करना है यहाँ पे, ओके, सिर्फ एंड्स पे कर्ल करना है। मैंने एंड्स के बाल पकड़े, घुमाया और रखा, दैट्स इट, इतना ही करना है। तो ये सारे बालों में कर्ल्स करते करते हमें एंड्स पे कर्ल्स करके रखना है, ताकि ये क्लाइंट का जो हमने कटिंग किया है उसका लुक दिखाई दे सके। और मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैं सबके कमेंट्स का ऑलमोस्ट रिप्लाई दे रहा हूँ जो क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे से। ओके, क्वेश्चन का रिप्लाई दे रहा हूँ, और जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वो कमेंट करके बता भी रहे हैं कि सर हमें वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों के लिए ही ये करूँगा ईमेल पे। ईमेल थोड़ा सा इजी हो जाता है, एक तो आप जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो, ओके, कमेंट्स में वो पॉसिबल नहीं होता है, और इवन आप पर्सनली आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, तो वो मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ। ओके, तो आज जो मैं करने वाला हूँ कर्ल स्टेप्स विद लेयर कट, मैं कर्ल्स डाल रहा हूँ, ये आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा इन द एंड। ओके, आप रिजल्ट देखिए, और उसके बाद प्लीज़ 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 मुझे शेयर करिए अपने कमेंट्स, और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।